सबको बोल दो ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ भाई तो बहुत चल रही है। और हमारी अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अम्मा यहाँ प्याज काट रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, कोई नहा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, सारी सब्जियाँ ये सब ना अम्मा बहुत अच्छी काटती हैं, देखो कितना अच्छा महीन प्याज काट रही हैं। मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, उनकी अल्लाह ताला उम्र बहुत अच्छी करे। और सब आमीन ज़रूर लिखना, माशाल्लाह भी ज़रूर लिखना। मेरी दादी को इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी उनके चेहरे पे कभी भी आपको ना वो नहीं दिखेगी, परेशानी नहीं दिखेगी। बहुत ज़्यादा इनके किडनी नहीं है और बीपी शुगर सब कुछ है, फिर भी पंच वक्त नमाजी हैं, उमरा करके आई हैं, तरावी पढ़ी इन्होंने पूरे रमज़ान, 20 रमज़ान भी रखे, फिर बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। या अम्मी अपनी कुछ बता रही है तो आप ज़रूर सुनना, प्रेस वगैरह कर। छोले बनाए फिर हमने बघारे, अभी फुल्की बना के आए, देखो अब हलीम तैयार हो रहा है, प्यारी फुल्की बन गई। ऐनाया तुम ठीक हो बेटा? बाबू ये बेटा पेटा है, हमारी खाला बर्तन हो रही है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है हमारे घर में सिंक नहीं है, सिंक भी है पर हम लोग बहुत बर्तन यहाँ धोते हैं, दिखा देते हैं, सिंक है हमारे पास, ये रहा सिंक, पर इतनी बड़ी फैमिली के लिए सिंक काफ़ी नहीं है। भाभी का छोले भगा रही हैं, प्याज कट चुका है, टमाटर, ये प्याज किस लिए? अच्छा ये वाला प्याज गोश्त के लिए, गोश्त भी धुल चुका है। क्या बना रही है भाभी इसमें गोश्त? हलीम का यहाँ सब नमाज पढ़ के आकर बैठे हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा रहे हैं, महफिल जमी है, बातें हो रही हैं, तो बस यही है हमारे घर में। बहुत अच्छा लगता है आज 5 साल बाद हम पूरी सारी फैमिली इकट्ठी होकर ईद मना रहे हैं। अरे वाह, अच्छा सबको ईद मुबारक बोलो, बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यारी लग रही है, शर्मा गई। फिर ईद ईद देने का सिलसिला तो बहुत देर से शुरू हो गया था, वो तो मैंने शूट नहीं कर पाई, ये सौरभ मुझे दे रहा है ईदी। अरम की भी ईदी इसने बाद में दी थी, पहले तो इसने मुझे दी, कह रहे नहीं अरम के हाथ में ही दूंगा मैं ईदी, मैंने कहा चल अरम को दियो, अब आनी तो मेरे पास ही है। अरम ये रहा, अरम ने जुम्बा पहना था, ये अपने मामा के साथ है, ये मेरे चचेरा भाई है राहिम के साथ है। फिर इसने 3 जोड़ी कपड़े बदले और आपको सिर्फ ये एक ही दिखेगा, और कुर्ते पजामे इन सब ने जो पहन रखे सेम कुर्ता पजामा अरम का भी सिला है। अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ लगा दूँगी। हाँ अम्मी ने बिरयानी तैयार कर दी है, कर रही है, बस खौल आना रह गया। और बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, आप सबको ही पता है, ठीक है, तो इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके बाद ईदी चलती रही, फिर मैंने भी बच्चों को ईदी दी, वो कुछ भी मैंने ऐसा शूट नहीं किया। कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती ना जो शूट नहीं की जा सकती हैं, बस सडनली हो जाता है, पर बहुत मज़ा आया। बच्चे सब तैयार हो गए, सर सबको ईदी बांट रहा है बच्चों को, यार हमको मिल गई ईदी, ये इसके समीर मामा ने दिए, अभी सौरभ मामा की भी रहेगी, उससे भी मैंने ले ली थी, लो मैंने छीन ली, मिले हम ले ले लिए तुम्हारे पैसे, हमने तुम्हारी ईदी हमने ले ली, पैसे मिलते हुए हमारी तरफ चाची आ गए, चाची किसको? ओहो ऐसे कह दो सब, और कह दो कि सवेरे कर लियो बांट लो, और क्या कम से कम 3 संस्कारों के 10-10 रुपए, 5 के 10-10 रुपए, बताओ 50 रुपए में टांग दिया तुम्हें। अरे हाँ, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उतार दी टोपी, बन नहीं पाया मेरे लिए की तरह, अभी से बिरयानी बनेगी, बिरयानी बनेगी। अच्छा मेरा घर ना थोड़ा मेसी रहता है ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ हम लोग रहते नहीं हैं, ये जो खिड़की दरवाजे प्लीज़ इन पे आप बुरे कमेंट मत करना, क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं यहाँ पर, तो हमने सोचा कि इतना ज़रूरत भी नहीं है, तो ये थोड़ा स्टोर रूम की तरह बना रखा है दरवाजे ऐसे, बाकी सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। घर बहुत बड़ा है, कम से कम 500-600 गज में ये घर बना हुआ है, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देखो ये बिरयानी बनने की तैयारी शुरू हो गई है,
आराम के लिए आराम के जूते काम गए। इतना सब बिजी हो गया कि हमने किसी के कपड़े ही नहीं दिखा पाए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मेरे पास पड़ी है मेरे फ़ोन में, मैंने क्या पहना, मेरी भाभी ने क्या पहना और मेरी खाला यानी कि मेरी चची रानी क्या पहना, बाकी और किसी सब तैयार तैयार होकर है वो नहाकर आ रही हो, मैं फटाफट भाग के। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देखना, आराम का कुछ कुर्ता है, ये नहीं कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो हैं जो हमने बनाई। और अब आएंगे हमारी गैंग आएगी, यानी कि कुर्ता गैंग आएगी, ये हमारे भाई हनी भाई अराहिम साहिम और ये हमारा छोटू सा, इसने सब इन सब ने सेम कुर्ता पजामा पहना था। यहाँ पे चाचा मिस हैं और अमन मिसिंग है, बाकी सबके सेम कपड़े थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और हम बहुत सुंदर लग रहा था माशाल्लाह। तो आज है ईद सेकंड, दूसरा दिन है ईद का और हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं दावत में। खाला करी मुझे मत लेना, मैं भी अच्छी नहीं लग रही कपड़े लेते। भाभी को दिखाएं हम, भाभी कैसी लग रही है हमें दिखाएं। अच्छा अच्छा, और देखो हम सेकेंड डे ईद का। आ रही हो शिफा? आओ तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी बहन को, मेरी फुफेरी बहन शिफा। और ये हमारी वाला कूद रही है ये शिफा, सबको बोलते ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ भाई तो बहुत चल रही है। और हमारी रिफा क्या कर रही है, लग रहा है रिफा माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने अपने कपड़े दिखा। ये हुआ ना, हेलो गाइस, ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक गाइस। शर्मा रही है, तुम नहीं बोलोगी? हाँ समायरा क्या बात है, देखो एक ये बच्चा है और एक वो बच्चा है, वो हमेशा रोता रहता है, हट जब देखो तो रोता रहता है। इसको देखो कितने चुपचाप बैठी है और फोन भी नहीं पकड़ रही है, तो फोन रख दो तो फोन पकड़ता है। समायरा ये है, ओ निनी आ रही है, निनी आ रही है, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। तो फूफी वगैरह आ गई थी नेक्स्ट डे ईद के बाद, फिर ये चाय नाश्ता हमारा सुबह का सेशन शुरू हो गया। आपने अभी समायरा को देखा, वो मेरी फुपेरी फुपेरे भाई की बेटी है और बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। तो ये महफिल जम गई, हम छोटे चाचा के इधर हैं साइड में, अभी तो बड़े चाचा के घर भी जाएंगे। घर के अलग नहीं है, सिर्फ अपने अपने रूम में कर रखा है इन लोगों ने बस। हमारी समायरा अपना पेट दिखाते हुए और मेरा वो लाल का चिल्ला रहा है, वो आ गया, वो आ गया हीरो। उसको बाहर मत निकालना। शाम को मम्मी खाना के लिए गई थी और ये आराम का लास्ट आउटफिट है और आराम रो रहा था बहुत ज़्यादा, इसको बहुत इरिटेशन हो रही थी, शायद इसको नींद आ रही थी, इसको थोड़ा लेट हो गया था तो ये रोता रहता है। और ये पॉलिटिशियन है जो हमारे घर पर आई थी, हमारे चाचा पॉलिटिशियन में बहुत ज़्यादा बैठ उठे उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी जान पहचान है। यहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, सब लोग बातें बातें कर रहे हैं और उसके बाद सब चले गए। इनाए मेरे पास बैठी हुई, इरम बैठी हुई और ये मेरा ईद का आउटफिट था जो मैंने आपको फोटोज में दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।